आई वुड रिकमेंड यू टू ब्रिंग योर किड्स, अपने बच्चे बच्चे लेकर आओ, खुद भी आओ, मम्मी पापा को भी ले जाओ, दादा दादी नाना नानी को लेकर आओ। देखो पार्किंग की कोई प्रॉब्लम नहीं है, पार्किंग पूरी पूरी एरिया है और पीछे गवर्नमेंट ऑफिसेज बने हैं, पूरी पार्किंग है, पार्किंग बहुत अच्छी है। और ये इंडिया गेट से रास्ता निकलता है, जब आप चाणक्यपुरी की तरफ जाएंगे तो प्रधानमंत्री संग्रहालय है, गेट नंबर 2 से आपका नेहरू प्लैनेटेरियम है। ये सब दिखा देती हूँ, ये लोग आ रहे हैं, दिस इज द एंट्री, ये एंट्री है, वो एंट्री है ब्लैक गेट की, ये गार्ड साहब है, ये गाड़ी जा रही आ रही है और ये सारी पार्किंग है। आज हम आए हैं नेहरू प्लैनेटेरियम और जो एंट्री इसकी है वो है प्रधानमंत्री संग्रहालय से। तो ये जो सामने है ये प्रधानमंत्री संग्रहालय है, इसको देखने के लिए 1.5-2 घंटा चाहिए। और इसके पीछे भी एक ऑडिटोरियम है, मगर बेसिकली हमारा फोकस जो है आज वो है नेहरू प्लैनेटेरियम। तो हम लोगों ने ये स्किप कर दिया है, यहाँ से टिकट मिलती है प्रधानमंत्री संग्रहालय की, मगर जो प्लैनेट यूनिटेरियम की टिकट मिलती है वो मिलती है सामने से। और ये एंट्री है, अगर आप इंडिया गेट से आएंगे तो आपको बिल्कुल साफ मैप में दिख जाता है प्रधानमंत्री संग्रहालय। पार्किंग अच्छी है, काफ़ी सारी पार्किंग है, और आई गेस क्योंकि बच्चों की छुट्टी हो गई, एग्ज़ाम्स हो गए हैं, क्राउड भी अच्छा दिख रहा आज मुझे। तो मेरे पीछे ये जो है ये प्रधानमंत्री संग्रहालय है ये सारा, और इस तरफ जो है ये है प्लैनेट नेहरू प्लैनेटेरियम, सॉरी। टिकट्स दोनों की अलग अलग काउंटर्स बने हुए हैं और ऑनलाइन क्यूआर कोड भी दे रखे हैं, तो आपको लाइन में खड़े होने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप अपने वॉलेट से, पेटीएम वॉलेट से भी टिकट ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं। ये सारी फैसिलिटीज़ अब यहाँ पर हो गई हैं। ये जवाहरलाल नेहरू जी के कुछ शब्द यहाँ लिखे हुए हैं अपने कंट्रीमैन के लिए, और ये जवाहरलाल नेहरू जी के हस्ताक्षर सिग्नेचर्स, ऑफिशियल सिग्नेचर्स। और ये रास्ता जा रहा है प्लैनेटेरियम के लिए, नेहरू प्लैनेटेरियम है ये, 2 बजे इसकी फर्स्ट ओपनिंग है। और सबसे बढ़िया बात ये है कि आज ही ये 3 महीने के बाद आज ओपन हुआ है नेहरू प्लैनेटेरियम। तो हम जब एंट्री कर रहे थे तो उन्होंने हमसे, गार्ड भैया ने पूछा कहाँ जाना है, तो हमने कहा हमें नेहरू प्लैनेटेरियम घूमना है, तो उन्होंने बोला आप लकी हो आज ही 3 महीने बाद खुला है। तो हम लोग तो फूले नहीं समाए, मेरी तो गालों में लालियाँ आ गई। एनीवेज इट इज़ अ गुड लक, यू मस्ट कम हियर विथ योर किड्स, बच्चों को दिखाओ, इट इज़ सोलर और यूनिवर्स, सब गैलेक्सीज बहुत अच्छे से यहाँ पे दिखाया गया है। दिस इज द क्राउड, क्राउड देखो लाइन फॉर द नेहरू प्लैनेटेरियम। हम लोग पहले यहाँ से एंट्री कर रहे थे, तो इस वाले गेट से, तो हम लोग पहले अपनी गाड़ी यहाँ पार्क कर रहे थे, तो हमें बोला कि एंट्री यहाँ से नहीं है, एंट्री होगी गेट नंबर 2 से। तो ये 2 नंबर गेट है, तो दिस इज एंट्री, और यहाँ पे दिस इज
is how everything started. Scientist. सिटिंग्स हमारी बिल्कुल लास्ट में हमें दी गई है। वहाँ पे कुछ लोग खड़े हुए हैं वीआईपी, इन वीआईपी लोगों ने हमें यहाँ पे कर दिया। बचपन में आई थी स्कूल में, बहुत छोटेपन में आई थी, याद भी नहीं है। एक टाइम पे तो होश में आना चाहिए ऐसी जगह देखने के लिए। यू शुड कम ओवर हियर एंड सी ऑल दिस प्लेसेस इन योर मेमोरीज। बच्चों को भी लाओ, खुद भी आओ। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बच्चे बच्चे, पेरेंट्स के साथ बहुत ग्रैंड पेरेंट्स भी आए हुए हैं। ये देखो, प्रधानमंत्री संग्रहालय भी था, मगर उसकी टिकट 100 रुपीज़ की थी और उसको देखने में बहुत टाइम लग जाता। ये जो प्लैनेट नेहरू प्लैनेटेरियम था, इसका फर्स्ट शो आज शुरू हुआ 3 महीने बाद। 2 बजे पहला शो था, इंग्लिश में है ये वाला शो, और इस ये 40-45 मिनट्स का शो है। तो हम लोगों ने, ओ लाइट आ गई, सी द स्क्रीन। तो हम लोगों ने डिसाइड करा कि हम ये पहले देखते हैं, और हमें ये 3D चश्मे मिले हैं पहनने के लिए। लेट मी जस्ट वेयर एंड सी हाउ आई लुक। यो, आई लुक लाइक अ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स में जैसे हीरो नहीं होते, वैसे लग रही हूँ मैट्रिक्स। लोग आए हुए हैं, आई विल जस्ट शो यू।
ऑल। देखो चाइना से ले गया है चश्मा, दिखाओ कहाँ पे लिखा मेड इन चाइना। मेरे में नहीं आ रहा, एक मिनट ठहरो, आ रहा धीरे धीरे, आ रहा धीरे धीरे, आ रहा। कहाँ लिखा है? ठीक है, तो हमें पता चल गया चाइना का माल है, इसको हम बाइकॉट करते हैं, हम अपनी नेकेड आई से देखेंगे। कृपया अपना मोबाइल फोन बंद रखें, मतलब साइलेंट पे डाल दो। एक इन्होंने डिवाइस रखी हुई है, इससे सारा जो है खेल होगा। और ये ऊपर जो एक ये छतरी टाइप पूरी ये रूफ है, राउंड रूफ है ये पूरी, ऐसे मैं यहाँ बैठी हुई हूँ। Would like to give little instruction. We are here to enjoy the night sky, and night sky is all about star and celestial body. It's my humble request, kindly switch off your mobile phone. Your electronic gadgets are disturbing the Oh my god. हमें सही जगह बिठाया उसने। वेलकम टू द प्लैनेटेरियम। गिर गए हम, गिर गए। मेरा घर कहाँ है? घर ढूंढो अपना। पीछे चला गया। अरे घर ढूंढो अपना घर। यहाँ बैठे हम लोग, यहाँ बैठे हुए। तो मेरे को पूरा ऑडिटोरियम घूमता हुआ नजर आ रहा है। तुम नहीं घूम रहे? नहीं, मैं तो मेरे साथ हूँ। प्रधानमंत्री संग्रहालय। बंद कर दो, लोग पैसे का खर्चेंगे फिर आएंगे अपना भी देखने के लिए। Slowly the darkness is increasing. Thousands of stars, all twinkling, have appeared in the sky. For thousands of years, man has been looking at the beauty of the setting in the south sky. Oh, the moon is also visible, with all its dry seas, valleys, and mountains. Look at those beautiful stars in that circle. That is popularly known as Winter Circle. Look here, this is the constellation Taurus, or Vrishabha. Nearby is the constellation Orion, the Hunter, or Mahavira. Orion is followed by its faithful hunting companion, Canis Major, Brihalabhaka, referred to as a dog. To the side of Canis Major is Canis Minor, a small dog. With little imagination, if we add flesh to these bones, the whole region appears to be with animals and warriors. Okay. Thank you.
bit to the north, look at these stars. This is in the form of a bear, the Great Bear, on Saptarishi Mandir. If we join these two stars of the Great Bear and follow them towards the north, we reach the pole star, Polaris or Dhruv. Pole star is located in another constellation known as Ursa Minor or Little Bear. Now these are the three tail stars of Great Bear. If we join these three stars in an arc and extend it, we come to this bright star, Arcturus or Swati. This star is in the constellation Bootes or Bhuta. Nearby, here, these stars appear to be in the form of a lion. This is Leo, the lion, or Simha Rashi. Silva Rashi, Leo, Virgo. To the east of Leo is the constellation Virgo or Kanya. कैसे imagination कर रखा है सारा? This bright object in this region. This is not a star, but a planet, Saturn or Shani. Okay. Saturn is the second biggest planet in our solar system. बहुत दूर है. It has rings that can be seen even with a small telescope. सारी रिंग्स हैं, माय गॉड. अब बना लो. Voyager spacecraft has discovered that these rings are made up of tiny pieces of ice, rocks and dust. अच्छा. स्टार मेरे को देखते हैं वो थ्री डॉट दिख रहे हैं ना मेरे घर पे डेली दिखते हैं वो. अच्छा. और ये वाला भी 1 2 3 Saturn along with 7 planets go around the sun. Our planet Earth is one of them. All these are part of our solar system. We hope that you will try to take some time out and look up at the sky and try to figure out some of the lovely constellations that you have recognized today. Thank you. हमने देख ली नेहरू प्लैनेटेरियम. अच्छा तो शो, मगर पहले बचपन में जैसा हमने देखा था काफ़ी वेरिएशंस लगी मुझे. बट हाँ, एक बार आप आओ, विजिट करो एक बार ही. और दिस इज द रियल पीकॉक. ओह वाओ मैन. तो हमने ना प्रधानमंत्री संग्रहालय तो आज स्किप कर दिया क्योंकि टिकट दोनों में ही लग रही हैं यार. और प्रधानमंत्री संग्रहालय की 100 रुपीस की थी, और जो अभी हम नेहरू प्लैनेटेरियम देखे आए हैं, इंग्लिश वर्जन देखे आए हैं, 2 बजे का पहला शो था, उसकी 200 की टिकट थी.
और जो हिंदी वर्जन का शो है वो 100 रुपीज़ की टिकट थी, वो 3-4-5 बजे था, तो हमको देखना था जल्दी, हमने देख लिया 200 का शो। तो प्रधानमंत्री संग्रहालय में ये दिखाया है अबाउट देयर रेजिडेंस, हाउ दे लिव, देयर डाइनिंग हॉल्स एंड एवरीथिंग। वो किसी और टाइम देखेंगे या नहीं देखेंगे, बट अभी प्लैनेट नेहरू फाइनली आज अगेन इट वाज अ सडन विजिट। तो जो ये सडन विजिट हुई है, ये हुई है प्रधानमंत्री संग्रहालय, उसके साथ में बना हुआ है नेहरू प्लैनेटेरियम, दोनों में टिकट्स हैं 100 रुपीज़ के प्रधानमंत्री संग्रहालय की, और पीछे एक क्या बना हुआ है पीछे एक स्टेडियम टाइप कुछ बना हुआ उनका, ऑडिटोरियम जब पूछती तब लोग बताया नहीं, जब गलत बोल दिया तो ऑडिटोरियम, स्टेडियम की जगह बोल ऑडिटोरियम बना हुआ है। और नेहरू प्लैनेटेरियम में तो आपको पता है एक ही हॉल बना हुआ है, राउंड करके उनकी छत है और आपको ऐसे करके देखना पड़ेगा। बट मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आई, उन्होंने जो चश्मा दिया था 3D 2D चश्मा दे रखा था, तो वो 2D चश्मा दोनों आँखों से अच्छा नहीं दिख रहा था, एक ही आँख से अच्छा दिख रहा था। मेरे पार्टनर मेरे फ्रेंड को भी एक ही आँख से अच्छा दिख रहा था वो चश्मे से, तो ऐसा नहीं है कि मैं मेरी आँख खराब है, मुझे लग रहा है उन्होंने चश्मा पता नहीं कैसे बना रखा है कि वो दोनों आँखों से अच्छा नहीं दिख रहा था, एक आँख से वो चश्मा लगा के अच्छा दिख रहा था। तो कभी मैं चश्मा उतार के देख रही थी, कभी मैं विद चश्मा देख रही थी, बट विदाउट चश्मा मुझे ज़्यादा अच्छा दिख रहा था इफ़ेक्ट्स, मतलब वैसे डबल भी फिल्म्स आ रही थी पिक्चर्स की, तो वो विदाउट मुझे चश्मा ज़्यादा अच्छा था, क्योंकि एक तो चश्मे बहुत ब्लैक थे, वो स्क्रीन जो थी जो दिखा रहे थे बहुत वाइट थी, तो मैं बीच बीच में झपकी ले रही थी और आई वॉज चीटिंग एंड आई वॉज वॉचिंग विदाउट चश्मा, ऑल्सो विदाउट दोज ग्लासेस। टिकट के साथ चश्मा दे रहे थे और जब आप एग्जिट करते हैं तो आपको टिकट के साथ दिखा के चश्मा आपको वापस करना है, दैट्स इट। प्लीज़ डू कम एंड विजिट दिस प्लेस इन दिल्ली व्हेन यू कम, एक दिन आप दिल्ली को दो। यहाँ पे इंदिरा गांधी हाउस भी है, नेहरू हाउस भी हैं जहाँ विजिट कर सकते हो, यू कैन सी इंदिरा गांधी हाउस ऑल्सो, ये सब आस पास ही हैं यहाँ पे बने हुए हैं, यू जस्ट गूगल एंड सी ऑल दिस प्लेसेस। टेक केयर, बाय बाय।